बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई एक भाई ने मुझे कमेंट किया, कमेंट काफ़ी अच्छा है। सऊदी अरब में बसे मेरे भाई काफ़ी इस चीज़ से परेशान हैं। सॉरी यार, एक कौन सी चीज़ से परेशान है? इकामा ख़त्म है और हमने खरूज के ऊपर अपने देश में, अपने वतन में वापस जाना है। वापस कैसे जाना है? और इसके अलावा दूसरी जो परेशानी है मेजर, वो ये है कि जो कंपनी में काम करते हैं, मुसस्सा जात में काम करते हैं, या किसी कफील के अंडर काम करते हैं, उनके भाई जो पैसे फंसे हुए हैं, हमने वो 2-3-4-5-7 सैलरी हैं या 2-4-5 हज़ार रियाल है, वो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा? और हम मकतब के थ्रू अगर, यानी कि मकतब अमल के थ्रू अगर हमारा खरूज लगता है, और यहाँ हम सफारा पाकिस्तानी या इंडियन सफारे में जाते हैं तो वहाँ से हम खरूज लगवाते हैं, तो क्या हमें वो पैसे जो कंपनी के मुसस्से या किसी कफील के पास हमारे बकाया जाते हैं वो हमें मिल जाएंगे? बात आपको समझ आ गई है जी। मैं अभी आप भाइयों को थोड़ी डिटेल समझा देता हूँ। आपको पता है जी, मैं आपके साथ पिछले कुछ माह से बहुत से मसलों को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, जिनमें मैं बोलता हूँ सरफरिस्त मैंने इसी चीज़ को रखा हुआ है। अगर आपके इकामे ख़त्म है तो क्या होगा, आपका 1-2-3 इकामे ख़त्म है, या आप भाई खरूज कैसे लगवा सकते हैं, आप खरूज नहाई कैसे जा सकते हैं, आप तरहील के थ्रू कैसे जा सकते हैं, यानी कि जेल के थ्रू, तो ये मुकम्मल इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पाकिस्तानी सफारतखाना जद्दा से भी और इसके अलावा बनी मालक वगैरह से जो भी लाइव सूरत है वो आप भाई को सब दिखा रखा हूँ। तो इस भाई के कमेंट के ऊपर अभी बात कर लेते हैं। बात भाई ने कमेंट तो मुझे काफी अच्छा किया है। अगर आप भाई जाते हैं सफारतखाना में, आप वहां पर अपना जाकर पेपर जमा करवाते हैं खरूज नहाई का, तो मैंने अपने घर जाना है आपके साथ, मैं मुकम्मल तफसील से पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूं, फिर आपको बताता चलूं। भाई अगर आपका, आपकी कंपनी रेड हुई, आप जिस कंपनी में काम करते हैं अगर वो कंपनी भाई रेड हुई, तो फिर आपका वहां पर पेपर जमा होगा और तब ही आपका खरूज लगेगा, वरना आपका वहां से सफारतखाने से भाई खरूज नहीं लगेगा। आपकी कंपनी ग्रीन है, चाहे आपके 3 इकामे क्यों नहीं एक्सपायर हैं, आपका वो पेपर ही जमा नहीं करेंगे। रही बात मकतबे अमल की, अभी सफारतखाना क्लियर हो गया जी। अच्छा, सफारतखाने में अगर रेड है, कफील रेड है, बकायदा पैसे भी हैं, सफारतखाने वाले आपका पेपर जमा कर लेंगे, आपका खरूज भी लग जाएगा, चंद माह के अंदर खरूज नहाई लगेगा, आप न्यू वीजा के तौर पर सऊदी अरब में वापस भी आ सकेंगे, लेकिन वो जो पैसे आपके मसूल हैं उसका सफारा जुम्मेदार नहीं होगा, वो आप खुद अपने कफील से लेंगे, आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। अभी बात कर लेते हैं मकतबे अमल के मुतल्लक। तो मकतबे अमल में भाई दो तरह के आप केस कर सकते हैं। केस तो आपको पता ही, सैकड़ों किस्म के हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी चीज के रिलेटेड आपको कुछ बताऊंगा। मकतबे अमल में भाई एक तो आप केस कर सकते हैं कि मैंने खरूज जाना है, कंपनी भी ग्रीन है, मेरा कफील, मेरी कंपनी, मेरा मुसस्सा भाई, मेरी ना तो छुट्टी लगा रखा है, ना इकामे लगा रखा है, ना खरूज नहाई लगा रखा है, मैंने अपने वतन वापस जाना है, मेरा इनके साथ 2 साल का एग्रीमेंट था, मुझे अभी 2.5 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, या 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, या 5 साल हो गए, जितने वर्षा हो गया है, तो एग्रीमेंट को देख कर बात कीजिएगा वहां पर। तो मैंने अपने घर में वापस जाना है, तो मेरा लिहाजा इस कफील से बोलने के मेरा खरूज लगा दे, मेरी छुट्टी लगा दे, मेरी इकामे लगा दे, जो करना कर दे। एक केस ये हो जाता है। इस केस में होता क्या है, मकतबे अमल उस पेशी चलती है आपकी, यानी कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर अमल शुरू हो जाता है, उससे 2-3 दिन बाद ही आपको एक भाई पेशी मिल जाती है, यानी कि आपको एक रसाला आ जाता है आपके मोबाइल के ऊपर। अभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है सब, आप भाई मोबाइल में बैठकर ऑनलाइन उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, 2-3 पेशियों में आपका, और मेरे हिसाब से मैं जो सुन रहा हूँ और अभी का मामला देख रहा हूँ, 2-3 माह या ज्यादा से ज्यादा 4-5 माह के अराउंड में वो फैसला हो जाता है। तो वैसे खरूज सफारे से भी इतने माह में लग रहा है, तो वो फैसला हो जाता है आपका, वो कफील खरूज लगा देगा, छुट्टी लगा देगा, आपके इकामे लगाकर आपसे, आपके साथ एग्रीमेंट वगैरह जो भी करना होगा करेगा। रही बात पैसों के मुतल्लक, ये पैसों वाला केस नहीं था जी। अभी मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी कफील कंपनी के पास पैसे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा। मैं अभी लाइव सीन भाई देख रहा हूँ यहाँ जद्दा बनी मालक वगैरह से, और कुछ दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जो इस मसले से 2-4 हैं, यानी कि इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, इन मराहल से गुजर रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत चलती रहती है। अच्छा, वो भाई केस फिर आप करते हैं अपने कफील के ऊपर कि मेरे, मैंने अपने कफील से 3 सैलरी 4 सैलरी 5 सैलरी बाकी है वो मैंने लेनी है, और उसके अलावा वहां पर आप लिखाते हैं, या तो अपने इकामे लिखाते हैं कि मेरे 2 इकामे हैं, ये खुद मेरे इकामे भी लगाए, मैं इसके पास काम करता था, या वहां पर आप लिखाते हैं भाई कि मैंने खरूज जाना है, यानी कि मेरा खरूज नहाई लगाया जाए और मेरे जो बाकी पैसे हैं वो मुझे मिल जाएं, ठीक है जी। फिर मकतबे अमल वैसे ही 3-4 पेशी 3-4 मरतबा रसाला आपके मैसेज के ऊपर भेजता है आपके मोबाइल के ऊपर, यानी कि आप ऑनलाइन उनसे बातचीत करते हैं,
बात वहीं पर ही फाइनल हो जाती है बहुत सारे बंदों की, यानी कि एक डेढ़ माह के अराउंड, दो माह के अराउंड में अगर वहां पर बात फाइनल नहीं होती तो फिर मकतबे अमल भाई आपका केस भेज देता है तंजीफ में, शिकायत यानी कि एक अलहदा से इदारा है तंजीफ, वो भी मकतबे अमल की हदूद में आता है, तो तंजीफ में आपका केस चला जाता है, फिर वो भाई आपके कफील से पूछ कुछ उन लोगों की जारी रहती है। तो चंद माह लगते हैं, मैं टाइम के मुताबिक कुछ भी नहीं बोल सकता, ज्यादा से ज्यादा टाइम भी मैंने देखा है जी, वो भाई केस के लिहाज से कितने पैसे है, कंपनी कौन सी है, कफील का काम है नहीं है, क्या सूरत हाल है, तो इन चीजों, बाकी बारह जो सीधी बात है जी, आप सफारे से जाएंगे तो भाई आपको कोई पैसा वगैरह नहीं मिलेगा, आप मकते मतलब ये केस करेंगे कि मैंने खरूज नहाई जाना है, मेरे इकामे वगैरह ये लगाए, छुट्टी लगाए, खरूज लहाए या मेरे इकामे लगाए, तो फिर भी आपको पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे। आप वहां पर अपना भाई लिखाएंगे कि मैंने इससे इतने पैसे पैसे लेने हैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इकामे या तनाजल चाहिए या मुझे खरूज नहाई चाहिए, फिर आपको भाई आपका टाइम लगेगा, ये अपने जहन में बात अभी से बैठा लीजिएगा, आपका टाइम लगेगा लेकिन आपको आपके पैसे, आपके इकामे या आपका तनाजर वगैरह जो भी होगा वो काम आपका हो जाएगा, कन्फर्म बात है अगर आप हक के ऊपर हुए। हाँ अगर आप किसी के साथ ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, दो नंबरी कर रहे हैं, तो फिर आप भाई गलत साबित होंगे, आपकी हर एक चीज जब्त कर ली जाएगी और आपको भाई सऊदी अरेबिया से निकाल भी दिया जाएगा, ये भी अपने जहन में रखिएगा। तो आपके मसले का भाई ये हल है, तीन हल मैंने आपको बता दिए हैं, अभी आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं और ये कन्फर्म है, इनमें कोई भी किसी किस्म की सुनी सुनाई मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी मकतब वाले से जाकर ये पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही आपको वो भी बताएगा इंशाल्लाह।